हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के अग्रवाल और हमारे बीच बैठे हैं सीए अंकित वर्मा। और इन्होंने गया को एक और अवसर प्रदान किया है गौरवान्वित होने का, और पूरे बिहार के लिए भी एक गर्व की बात है कि इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और कल इनकी रिजल्ट आई है। दोस्तों, मैं इनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा कि इन्होंने ये मुकाम हासिल कैसे करा और इसके पीछे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये कोर्स कितना टफ है और इसके फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएँ बनती हैं। और साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी इनसे कुछ राय, इनकी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहूँगा इन्हीं की जुबानी कि ये क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो सीए परसुइंग हैं, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं या जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट कर रहे हैं या फिर जो फाइनलिस्ट हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अंकित आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और सबसे पहला सवाल मेरा जो आपके लिए है वो ये है कि आप अपने इस सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे? थैंक यू सर। तो इस सफलता का श्रेय, क्रेडिट तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को जाता है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर सर आपको कि आपके पास पढ़ाएँ शुरू इस कोर्स के बारे में सबसे पहले बार आपसे ही पता चला था कैसे करना है क्या करना है। और फिर मेरे दोस्त लोग भी हैं जो उन्होंने भी मेरा बहुत हेल्प किया, तो सफलता तो इन लोगों को, श्रेय तो इन्हीं लोगों को जाता है पहले। थैंक यू, बहुत ही हम्बल जवाब। अंकित, एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने, आपके जो जूनियर्स बैठे हैं यहाँ पे, जो कि या तो इंटरमीडिएट में हैं कुछ बच्चे, कुछ फाइनल में भी हैं, कुछ अभी ट्वेल्थ परसुइंग है, इवन कि कुछ लोग इलेवंथ में भी हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में और इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, सीए के बारे में? जैसे जैसे हमारी इकनॉमी बढ़ी, हम सुनते हैं कि 3 ट्रिलियन इकनॉमी है हमारी इंडिया की, 5 ट्रिलियन होने वाली है, तो वैसे सीए का रोल बहुत बढ़ रहा है। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। हाँ, ये भी सुनने को मिलता है टफेस्ट कोर्स है, बट हाँ एक्चुअली में है, बट अब कंसिस्टेंट आप रहें, डिटरमाइंड रहें, तो ये उतना टफ नहीं रह जाता जितना हमें सुनने को मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, पढ़ाई करते रहें और डिटरमाइंड रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हैं, क्या उनको अभी से फाउंडेशन के बारे में सोचना चाहिए जो ट्वेल्थ परसुइंग कैंडिडेट्स हैं? अगर अभी तो सोचना चाहिए, क्योंकि तो जो ट्वेल्थ अगर परस्यू कर रहे हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सीए में थ्रू फाउंडेशन, तो आपको फाउंडेशन का तैयारी अभी से करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन को जाते हैं तो वो 3 ईयर्स उधर ग्रेजुएशन में देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा 4 ईयर्स हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन आप वो टाइम बचा सकते हैं। और ऐसे भी अगर आपने सीए कर लिया है तो एज पर यूजीसी आप मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट आप हो चुके हैं, तो आप अगर शुरू से ट्वेल्थ के बाद ही आप सीए के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो ज़्यादा सही है आपके लिए। बहुत बढ़िया। ऐसा मेरे को जानकारी है और मेरे व्यूअर्स को भी शायद इस बात की जानकारी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जो संस्था है ICMAI, उनका टाई अप इग्नू से है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, प्लस टू के बाद वो ग्रेजुएशन उससे कर सकते हैं, बशर्ते कि इधर से वो बोथ ग्रुप क्वालिफाइड हों एटलीस्ट, तो ग्रेजुएशन की जो कहानी है वो एक साल में कंप्लीट हो जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इवन आप इंटर भी क्वालिफाई हैं फिर भी आपको ग्रेजुएशन का कुछ पेपर में एग्जामेशन मिल जाता है क्रेडिट पॉइंट बेसिस पर। आप फाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें और ज़्यादा एग्जामेशन मिलता है। तो अगर आप फाइनल क्वालिफाई कर गए तो आपको एक साल के अंदर ही आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। इवन इसका टाई अप अदर इंस्टीट्यूट के साथ भी है, लाइक ब्रिटेन के साथ भी है, तो ये करना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, बहुत सुंदर। तो अंकित वर्मा जी से ही मैं जानना चाहूँगा इन्हीं के जुबानी कि इन्होंने इस जर्नी को कैसे पूरा किया और ये टफेस्ट कोर्स जो इन्होंने क्वालिफाई किया और ये सीए बन गए, तो इनकी जर्नी किस प्रकार कंप्लीट हुई, आइए इन्हीं से जानते हैं। अंकित, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 7 से, जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे सीए करना है, बट उसमें मेरे पास कुछ था नहीं, कैसे क्या होता है पता नहीं था कि आगे क्या करना है, प्रोसीड कैसे करना है। फिर मैंने 12th में सर के पास ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में है क्या, कैसे करना है। उसके बाद फिर सर के पास ही रहें, फिर ग्रुप वगैरह ग्रुप स्टडी हुआ, फिर हम लोग रात को ही पढ़ते थे, टेबल वगैरह बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर समरी शीट तैयार करना, ये सब हम लोग का था। तो इससे हम लोग को बहुत कुछ क्लियर हुआ। ग्रुप स्टडी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था हम लोग के लिए, खासकर 12th के लिए, CPT के लिए, साथ साथ में 12th के साथ CPT भी चलता था, तो टाइम एलोकेटेड था, कुछ टाइम 12th के सिलेबस पर, कुछ टाइम CPT के, उसमें CPT था अभी तो फाउंडेशन हो गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया था। उसके बाद फिर CPT क्वालिफाई करने के बाद इंटर के लिए कोलकाता गया, वहीं से मैंने आर्टिकलशिप किया, फिर लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मुझे वापस आना पड़ गया, तो फिर मैंने आगे का आर्टिकलशिप गया से परस्यू किया, एंड देन फिर फाइनल की तैयारी मैंने गया से ही रखकर की। इट मीन्स ये भी जानना ज़रूरी है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर सिटी में रह कर ये कोर्स नहीं कंप्लीट की जा सकती, तो ये भी जानना ज़रूरी है, इन्होंने जैसा कि अभी बताया कि गया से रह करके ही इन्होंने फाइनल्स कंप्लीट किया है, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों के लिए कि गया में रह करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेज की जा सकती हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कहीं से भी रहकर कर सकते हैं, गया ही क्योंकि मतलब कहीं से भी, बस आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, गया से भी इवन पॉसिबल है, मैंने खुद किया तो पॉसिबल तो है ही, आप तो लगता है पॉसिबल है।
थैंक यू वेरी मच। तो ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे और गार्जियंस बेसिकली पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी प्रॉपर और प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे हर्डल सामना करना पड़ेगा, तो बच्चे बाहर का रुख कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है और रहकर आप कर सकते हैं, बहुत कुछ संभव है। दोस्तों एक अगला सवाल मैं इनसे लेना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने CA फाइनल्स कंप्लीट किया है और आगे इनका क्या प्लान है, आगे फर्दर स्टडी ये करना चाहेंगे या जॉब करना चाहेंगे या प्राइवेट प्रैक्टिस में आना चाहेंगे या खुद की अपनी एस्टैब्लिशमेंट करना चाहेंगे, इन्हीं से जानते हैं कि इनका आगे का क्या प्रोग्राम है। अंकित, सबसे पहले तभी मैंने जॉब का सोचा, कुछ दिन मैं कुछ साल इनफैक्ट जॉब करूंगा, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ का भी सोच रखा है मैंने, बट अभी तक क्लियर हुआ नहीं क्योंकि पता नहीं कि आगे कैसे समय जाने वाला है, बट हाँ फर्दर स्टडीज तो करना ही है क्योंकि सिर्फ CA कर कर ये आपका फाउंडेशन, आप ये कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर का करियर का ये फाउंडेशन है, बट आगे अगर लाइफ में आगे आपको बढ़ना है तो आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, और जैसा अभी का इकोनॉमी चल रहा है, अभी जैसा वर्ल्ड है, तो आपको तो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, तो अलग कोशिश का भी मैंने सोच सकता हूँ आगे, उसके बाद तो प्रैक्टिस तो करना ही है। फिलहाल बहुत बढ़िया, अभी जॉब कर लेने से थोड़ी सी फिनंशियल स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ी एक्सपीरियंस भी मिलेगी, इनको अभी जॉब की तरफ जाना चाहिए। और फर्दर स्टडी में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप SCCA की तरफ जा सकते हैं, आप CFA की तरफ जा सकते हैं, आप CMA US की तरफ जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिलेबस को एनालाइज करें, सारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं तो जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं उनको आप एनालाइज करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी जगहों पे एग्जेम्पशंस मिल रहे होंगे और बहुत ही कम अमाउंट में और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप CPA का कोर्स भी कर सकते हैं, CPA US है या फिर और भी इंग्लैंड के जैसे सीमा के कोर्सेज हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि आप बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हैं और उससे ऐड ऑन होगा और आपका जो CV होगा वो बहुत बेहतर बनता चला जाएगा। और अभी आप यंग हैं और अभी आपके पास टेम्परामेंट है, पढ़ने का जुनून और जज्बा है, तो आप उसको अभी खोए ना, और मेरे हिसाब से आपको 2 से 4 घंटे की स्टडी आपको अभी से रखनी चाहिए जारी। तो आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? ज़रूर सर, अभी ये तो करना ही है, जैसा भी पहले मैंने बताया कि अभी सिर्फ एक कोर्स है तो कुछ होने वाला है नहीं, और ये मोनोटोनस भी एक तरह से कह सकते हैं, मोनोटोनस जॉब भी हो जाएगा, तो हाँ मैंने सोचा है कि करना तो है, बट इंटरेस्ट किधर जाता है आफ्टर गोइंग इन प्रैक्टिस, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर सोचा करना क्या। जैसा मैंने पहले बताया था कि ICAI का टाइप बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ है, नेशनल इंटरनेशनल, एंड इनफैक्ट हर मंथ, अब ग्लोबलाइजेशन है, हर मंथ ही न्यू टाइप होता है, तो हर जगह क्रेडिट वगैरह आपको मिलता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच CA अंकित वर्मा, और इन्होंने फाउंडेशन में जब जो CPT पहले हुआ करता था तो उसमें इन्होंने 60 में से 59 स्कोर किया था और नेगेटिव मार्किंग होती थी, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज दैट गाय, और यही वो प्रीमाइस था, बस थोड़ा सा एक पादान ऊपर आ गए हैं यहाँ पे ये, और कुछ भी नहीं। तो मैंने उस समय प्रिडिक्शन करा था कि यू विल बी द नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड नाउ आई एम प्राउडली सेइंग दैट मिस्टर अंकित वर्मा इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।